विवेकानंद चौक में जो आग लगी है, और हम भोले शंकर जी की कृपा करते हैं कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है, खाली जो गोडाउन में सामान था उसी वो ही जल के राख हुआ है। लेकिन ये आग कैसे लगी आपने भी देखा होगा, पीछे कितने दिनों से हमारी इस मंदिर के लिए जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और मुझे लगता है कहीं तो कहीं ये रंजिश होगी किसी की, क्योंकि यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और खाली ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी का सामान नीचे रखा हुआ था और थोड़ा बहुत मंदिर का सामान था नीचे, बस वो क्यों जल के राख हुआ, कैसे हुआ, अभी इसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि 10 मिनट मुझे कॉल आता है, मैंने आके देखा तो चौकी अफसर को कॉल किया और सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। जब मोहल्ले वासियों ने पूरी कोशिश की आग को बुझाने के लिए तो आग नहीं बुझ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो चुकी थी। उसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड को बुलाया गया ताकि वो 10 मिनट में यहाँ पर वो लोग भी पहुँचे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने चौकी अफसर और SHO सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पूरी कोशिश करके यहाँ पर आग को जल्द से जल्द काबू पाया है। शिव मंदिर बाबा पुण्यपुरी के नाम से तो नहीं है कुछ नहीं हुआ। हमारा मकसद यही था कि मोहल्ला साथ में है, छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, मोहल्ले वासियों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए पूरा मोहल्ला साथ होके फटाफट इस जगह को जो आग थी उसको बुझाने की पूरी कोशिश की है। और हम ये पूरा रिसर्च करवाएंगे कि ये किसी की रंजिश थी या फिर ऑटोमेटिकली आग लगी।